बहुजन समाज के लोग राम के, कृष्ण के, या विष्णु, या विष्णु के, या शिव जी के नाम मुंह में आने पर तुरंत कुल्ला या कोलगेट नहीं करेंगे, उनका शुद्धिकरण के लिए कोई भी जगह नहीं है। कि राम मंदिर की जगह शौचालय बनाइए, ही वॉज ओनली दी हीरो इन दिस नेशन जिसने कहा कि शौचालय बनाइए, वहाँ मुसलमान भी पेशाब करेगा और वहाँ पे हिंदू भी करेगा, वहाँ पे ईसाई भी करेगा, तो ये ज़्यादा उस मंदिर से ज़्यादा लाभकारी जगह होगी। ही वॉज ओनली दी पर्सन। राम की तुलना अगर डॉक्टर अम्बेडकर से करी जाए तो राम पाँचवीं क्लास भी पढ़े हुए नहीं थे। कृष्ण की करी जाए तो ही वॉज नॉट ए फिफ्थ क्लास पर्सन। इसके बाद में शिव की करी जाए, शिव का प्रतीक एक है कि नशा करो। जो राम है या कृष्ण है या शिव है, ये आज के टाइम में ये मूर्खता के प्रतीक हैं, ये वैज्ञानिकता के प्रतीक नहीं हैं। दूसरे ये जो सारे लोग हैं ये सब नंगे प्रकृति के आदमी, इन पर कपड़े पहनने को नहीं है, ना उस समय सिले हुए कपड़े थे। आप देखोगे शिवजी भगवान को, आप देखोगे वो बिल्कुल नंगे हैं, धूल है। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देख रहे हैं SM न्यूज। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट इंदिरा सिंह जी मौजूद है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल अंबेडकर भवन बनवाया था, सेंटर बनवाया था, जिसका शिलान्यास मोदी जी ने 2014 में ही कर दिया था, लेकिन अब वो बन के तैयार हो चुका है। लेकिन बनने के बाद अब वहाँ पे बाबा साहब की एक बड़ी सी प्रतिमा लगाई गई है, लेकिन ठीक उसके नीचे एक शिवलिंग बनाया गया है। सर, बाबा साहब के विचार, उनके आदर्श अंधविश्वास पखंडवाद के विरुद्ध थे, फिर उनके स्थलों पर शिवलिंग बनाना ये क्या दर्शाता है? देखिए, जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा है, 22 प्रतिज्ञा में उन्होंने ये कहा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना मैं राम कृष्ण की कोई पूजा करूंगा। बिल्कुल, मैं एग्जाम्पल आपको इसके बारे में बता दूं, आचार्य रजनीश जी ने और बहुत विद्वानों में इसमें खोज की है कि जब देश आज़ाद हुआ तो 1947 में हैदराबाद के निजाम के 500 घरवालियाँ थी, और 500 की जो 16 गुनी होती हैं वो 80 गुनी जो होती हैं वो 16,000 होती हैं, तो कृष्ण के 16,000 घरवाली थी। अब कृष्ण के टाइम में कोई आदमी रिपोर्ट लिखवाने जाता था कि कृष्ण ने मेरी लड़की को उठा लिया या मेरी पत्नी को उठा लिया, मेरी बहन को उठा लिया, तो बैठे पंडित से कहता जी मेरा मुकदमा दर्ज करो, मेरी FIR लिखो, मेरी कंप्लेंट लिखो कि कृष्ण ने मेरी पत्नी को, बहन को या बीवी को उठा लिया। तो बैठा हुआ पंडित कहता था ब्राह्मणवाद का कि कृष्ण इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ही इज द इनकार्नेशन ऑफ गॉड। इफ यू हैव चूजन योर वाइफ, योर डॉटर, योर सिस्टर, बी हैप्पी एंड डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट एमोंग द पीपल। अरे जाओ, खुश हो, मिठाई बांटो, तुम्हारी बहन को या लड़की को या पत्नी को कृष्ण ने अपनी पत्नी के बनाने के रूप में उठा लिया। कृष्ण कोई मामूली आदमी नहीं है, वो ईश्वर का अवतार है। इस प्रकार लोगों को गुमराह करा जाता था। तो बाबा साहब ने इस समाज को निकालने के लिए सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उनका मेरुदंड तोड़ दिया, लोगों में उनकी उस विचारधारा को रोक दिया और कहा कि जो मेरे रास्ते को फॉलो करेगा वो किसी तरह के अंधविश्वास को या रूढ़ीवादी को फॉलो नहीं करेगा। उन्होंने आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A है उसकी एच क्लॉज 51A में ये लिखा कि इट शैल बी द बाउंडेड ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू स्प्रेड द साइंटिफिक टेम्परामेंट, कि आप वैज्ञानिक विचारधारा करोगे, अंधविश्वास नहीं फैलोगे। जो राम है या कृष्ण है या शिव है, ये आज के टाइम में ये मूर्खता के प्रतीक हैं, ये वैज्ञानिकता के प्रतीक नहीं है। मैं एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ, राम की तुलना अगर डॉक्टर अम्बेडकर से करी जाए तो राम पाँचवीं क्लास भी पढ़े हुए नहीं थे। कृष्ण की करी जाए तो ही वॉज नॉट ए फिफ्थ क्लास पर्सन। इसके बाद में शिव की करी जाए, शिव का प्रतीक एक है कि नशा करो, जिसको बाबा साहेब डॉक्टर ने उन 22 प्रतिज्ञा में कहा कि किसी प्रकार के नशे पर मैं रोक लगाता हूँ, कोई भी व्यक्ति मेरा किसी प्रकार का सराह का, गांजे का नशा नहीं करेगा। दूसरे ये जो सारे लोग हैं ये सब नंगे प्रकृति के आदमी, इन पर कपड़े पहनने को नहीं है, ना उस समय सिले हुए कपड़े थे। आप देखोगे शिवजी भगवान को, आप देखोगे वो बिल्कुल नंगे हैं, धूल है, ये है। और आपने ये भी देखा होगा कि ये जो शिवलिंग बनाया गया है, मैं आप बताओ मुझे एक पुस्तक बता दो कि शिवलिंग की पूजा भारत के कौन सी किताब में लिखी और कब से शुरू हुई। तो जिस टाइम
ये मैंने बाबू जगजीवन राम के एक भाषण में पढ़ा है, जिसको कोड उन्होंने कराया है, बाबू जगजीवन राम के भाषण को उन्होंने कराया है डॉक्टर सुमराक्षर ने, जो दिल्ली दलित अकेदमी से वो पुस्तक छपी है, उसमें ये कोड करा है कि जब ब्राह्मणवाद ने आर्यों ने शिवजी से जंग शुरू करी तो शिवजी ने एक आतंकवादियों की तरह उनकी नाक में दम कर दिया, तो फिर उनका सेटलमेंट हुआ, कंप्रोमाइज हुआ, कंप्रोमाइज में ये तय हुआ जितने भी ब्राह्मण हैं वो मेरे लिंग की पूजा करेंगे। उस दिन से लिंग की पूजा भारत में होनी शुरू हुई है और किसी धार्मिक किताब में ये वाली बात नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर की तुलना में रामकृष्ण का शिवजी का कोई वजन नहीं है, और क्योंकि इस टाइम RSS की गवर्नमेंट है, इस टाइम BJP की गवर्नमेंट है, वो हर तरह से, हो सकता है कल को डॉक्टर अम्बेडकर के गले में एक तरह से वो उसको जनेऊ को डाल दें, बिल्कुल, क्योंकि समाज को गुमराह करने के लिए रविदास जी को कह दिया उनके अंदर से एक जनेऊ निकली थी। अरे जनेऊ वो लड़के जो गुरुकुल में लड़के पढ़ते थे, वो लड़के गुरुकुल में जो पढ़ते थे वो धोती पहनते थे, और कभी को उसको तो एक धागे को इसलिए रखा जाता था ताकि वो अपने किसी अंग को जो उत्तेजित हो जाए उसको कंट्रोल में करा जा सके। तो ये सारी चीज़ें मूर्खता की प्रतीक हैं, सारी चीज़ें अंधविश्वास की प्रतीक हैं। और आपको मैं बता दूं, अम्बेडकरवाद को BJP की गवर्नमेंट ख़त्म करना चाहती है, लेकिन ये देश के नागरिक उसको ख़त्म नहीं होने दे रहे, एक बात। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 26 अलीपुर रोड को, जहाँ बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, उस जगह में बनने से पहले एक तरफ इस सुल्कास्ट के लोगों की कॉन्फ्रेंस इधर चलती थी लंच से पहले, दूसरे हॉल में चलती थी। RSS की प्लानिंग पर, BJP की प्लानिंग पर, माननीय रेस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी जी की प्लानिंग पर, या ये कहें कि होम मिनिस्टर की प्लानिंग पर, उसको तोड़ के ऐसे बना दिया जहाँ 20 आदमी नहीं बैठ सकते। तो आप ये बताइए कि आपने जो 26 अलीपुर रोड को बनाया है उसे तबाह कर दिया ताकि वहां कोई मीटिंग ना हो सके, क्या सुल्कास्टों के पास में देश की राजधानी में कोई जगह है जहां कॉन्फ्रेंस कर सकें, सेमिनार होल्ड कर सकें, जो निःशुल्क हो सके? इसलिए अम्बेडकरवाद का ब्राह्मीकरण कर रहे हैं। और जो आप ये सवाल पूछ रहे हैं मुझसे कि हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या नुकसान क्या नफा है, इस बात को डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पुस्तकों में लिखा है, इंडिया दी पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान की पुस्तक के पेज नंबर 358 में लिखा हुआ है कि भारत के नागरिकों को हर कीमत पर इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र को बनने से रोकना चाहिए, नहीं देश में तबाही आ जाएगी, एक तबाही का तूफान आ जाएगा, और ये तूफान केवल जनून के द्वारा रोका जाएगा, और लोगों की नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, बेरोजगारी हो जाएंगी, दोबारा से बहुजन समाज या सुल्कास्ट के लोगों को गुलाम बना लिया जाएगा। लिंको बनाना डॉक्टर अम्बेडकर के पास, अरे डॉक्टर अम्बेडकर के पास तो ऑलरेडी उनके पास प्राकृतिक अपने इस तरह के ऑर्गन थे, इसको शिवजी को लगाने की क्या ज़रूरत थी? इसलिए जब तक बहुजन समाज के लोग राम के, कृष्ण के, या विष्णु के, या शिवजी के नाम मुंह में आने पर तुरंत कुल्ला या कोलगेट नहीं करेंगे, उनका शुद्धिकरण के लिए कोई भी जगह नहीं है। आप हिंदुओं के पुराने ग्रंथ में देखिए जिनमें कहा है कि कोई भी हिंदू हाथी के पैर के नीचे कोचल के भले ही मर जाए लेकिन उसको जैन के मंदिर में शरण नहीं लेनी चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर के सामने शिवलिंग को बनाना शिवलिंग का अपमान करना है, और दुनिया का कोई भी अम्बेडकरवादी या बौद्धवादी दी उसको मानेगा नहीं। और सिर्फ आपको पता है केवल इस संसार में एक ही व्यक्ति हुआ है आधुनिक भारत में, और वो थे मान्यवर काशीराम, जो BSP पार्टी के संस्थापक थे, जिन्होंने ये कहा था कि राम मंदिर की जगह शौचालय बनाइए। ही वॉज ओनली दी हीरो इन दिस नेशन जिसने कहा कि शौचालय बनाइए, वहाँ मुसलमान भी पेशाब करेगा और वहाँ पे हिंदू भी करेगा, वहाँ पे ईसाई भी करेगा, तो ये ज़्यादा उस मंदिर से ज़्यादा लाभकारी जगह होगी। ही वॉज ओनली दी पर्सन। नाउ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी ब्राह्मणवाद को आगे बढ़ाने के लिए मौन समर्थन है, पूरे देश की पुलिस भी कर रही है। एकदम डॉक्टर अम्बेडकर का शिवलिंग से क्या लेना देना? डॉक्टर अम्बेडकर के पास शिवलिंग लगाना ना डॉक्टर अम्बेडकर को अपमान है, और एक आप देखो शिवजी का भी अपमान है। मैं आपको दो चीज़ बताना चाहता हूँ। आप ये देखते हैं कि देसी घी मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है, दूसरा शहद भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है,
लेकिन अगर दोनों को साथ एक जगह मिला दिया जाए तो उससे बड़ा कोई जहर नहीं है। तो जो ये तो उनका अपमान कर रहे हैं कि जो शिव जी का कर रहे हैं, अरे शिव जी से हमें कोई प्रेरणा नहीं मिलती, शिव जी को हमने ऐसे छोड़ दिया है, राम कृष्ण को हमने ऐसे छोड़ दिया है जैसे शमशान में हड्डी पड़ी रहती है। तो ये सरकार ये एक तरह की नफरत फैलाने का काम कर रही है। डॉक्टर अम्बेडकर का शिवलिंग के साथ क्या है, अगर आधुनिक भारत में कोई वैज्ञानिक सोच वाला व्यक्ति पैदा हुआ है तो डॉक्टर अम्बेडकर हुए, और ही वाज द चैंपियन ऑफ द वुमेन, ही वाज द चैंपियन ऑफ ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा शिवलिंग बनाना, शिवलिंग का क्या करेंगे, और उसके सामने लगाना, अगर एक उसको क्या है शिवलिंग की, अरे हालांकि वो पत्थर है, शिवलिंग में कोई ऐसी दादू नहीं है कि जो हो जाए। अब एक बात देखिए, जहाँ भी कोई नदी में पत्थर पड़ा है आप उसको कहेंगे शिव जी है, भगवान है, अरे आदमियों में तो आपके लिए प्रेम नहीं है, आदमियों में आप कोई सम्मान नहीं है, उससे छुआछात मांगते हो, पत्थर से प्रेम करते हो। शिवलिंग लगाना है, अगर वो अपवित्र है तो उसको गलत जगह लगाइए, और अगर पवित्र है तो कहीं सही जगह लगाइए। आप डॉक्टर अम्बेडकर के पास जो हम लोग हैं, हम लोग 24 कैरेट के बौद्धिस्ट हैं, नास्तिक हैं और अम्बेडकरवादी हैं। और आपको बता दें, हम बौद्धिस्ट भी नहीं हैं, हम कट्टर अम्बेडकरवादी हैं। हमने जुल्म के खिलाफ लड़ना है। जो बौद्ध बनेंगे सच्चे, वो तो आने वाली हमारी पीढ़ियाँ बनेंगी। और इस देश के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बौद्ध धर्म की स्थापना करी है, वो केवल 100 साल के लिए नहीं करी, कम से कम 10,000 साल के लिए करी है। 100 साल के लिए नहीं करी, 1,000 साल के नहीं करी, 10,000 साल के लिए करी है। और इस भविष्यवाणी का समर्थन करते हुए राहुल शांतकृति जी ने कहा था अपनी किताब में कि डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म का वो स्तंभ भारत में गाड़ दिया है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत हला नहीं सकती। और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जितना मुश्किल है एक कुएं को उठा के पानी पीना, उससे मुश्किल है एक अम्बेडकरवादी को गुलाम बनाना, एक बौद्ध को गुलाम बनाना। इसलिए शिवलिंग को बनाना, शिवलिंग का प्रणाम है, अपमान है, डॉक्टर अम्बेडकर का कोई अपमान नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर का मन, उनका शरीर उनके भारतीय संविधान में है, उनकी बुद्धा एंड धम्मा में पुस्तक में है। इसलिए कोई भी आदमी शिवलिंग का समर्थक अम्बेडकरवादी नहीं है। और इवन मैं आपको बताऊँ, सबसे ज़्यादा दुर्गंधयुक्त पुस्तक हिंदू धर्म की किताबें हैं, उनके देवी देवता हैं, जो बलात्कारी हैं, जिन्होंने आपको मैं एग्जांपल बता दूं, अहिल्या का बलात्कार इंद्र ने करा, जो गौतम ऋषि की पत्नी है। अरे आप ऐसे लोगों को पूज रहे हो जो बलात्कारी हैं। और उन्होंने धर्मांध कौशाम्बी, बहुत बड़े इतिहासकार हुए, बहुत विद्वान हुए, उन्होंने कहा इंद्र वाज नॉट ए पर्सन, ही वाज ए टाइटल, जैसे हमारे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का होता है। तो देश की राजधानी में जहाँ शिवलिंग लगाया गया है, वो आप जैसे शिवलिंग मांग रहे हो, पत्थर का एक टुकड़ा है जो किसी की बेवकूफ़ी से लग गया, उसका कोई लेना देना नहीं है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी भी शिवलिंग में, पत्थर की इन पूजाओं में, इन बेवकूफ़ी चीज़ों में कभी अपना समय दुरुपयोग नहीं करा। आरएसएस बीजेपी के लोग चाहते हैं कि देश के दलित शुल्कास्ट लोग, इस देश के दलित शुल्कास्ट लोग हिंदू देवी देवताओं को गाली दें, और गाली जब देंगे जब अम्बेडकर के पास में शिवलिंग रखा होगा। जब आप ये कहते हो कि गौतम बुद्ध दसवें अवतार हैं, डॉक्टर उसमें कहते हैं कि जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है कि डॉक्टर की बुद्ध दसवें अवतार हैं, अरे आपने बुद्ध में 10 अवतार हैं, किस वाले हिंदू मंदिर में आपने विष्णु के दसवें अवतार हैं, किस में बुद्ध की मूर्ति रख रखी है। बिल्कुल, तो ये सारे प्रोपेगेंडा हैं। आप इस पर को अपने जीवन को सफल रूप बनाने के लिए आप इस वर्ग को फेंक दें। अगर किसी भी भारत के अम्बेडकरवादी के घर में हिंदू देवी देवता की है तो की तस्वीर है तो कूड़ेदान फेंके, शिवलिंग की दबाती क्या, ही जे पत्थर, और कोई भला नहीं होने वाला। और हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मैं आपको बता दूं, किंग फ्रेडरिक मार्टिन लूथर का एक बयान है कि दुष्टों के बुरे कर्म से सज्जन की चुप्पी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो आपको जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी है। आरएसएस बीजेपी कल को एक जगह डॉक्टर अम्बेडकर हमारे 11वें अवतार हैं, 11वें अवतार है हमारे। अरे जब हम भगवान को नहीं मानते उसके अवतार को क्या मानेंगे। और डिडरो जो फ्रेंच का बहुत बड़ा फिलोसफर, उसने बहुत रिसर्च करी है इस बात पे, उसने कहा है कि डॉक्टर की जरूरत वहां होती है जब मरीज होते हैं। भारत में बार बार इस पर इसलिए अवतार ले रहा है क्योंकि यहाँ बलात्कारी रहते हैं, यहाँ बेईमान रहते हैं, यहाँ भ्रष्ट रहते हैं। और यहाँ पर जो है, आपने देखा अभी हाईकोर्ट के जज पे भी करप्शन का मुकदमा चल रहा है। तो आप ये देखिए, जिस प्रकार समुद्र में रहने जल में रहने वाली मछली
पानी पीती हुई नजर नहीं आती, देश के अंदर सुरकास्टों पर अत्याचार होते हुए हत्याचार करने वाले लोग नजर नहीं आ रहे हैं। आप हमारा शिवलिंग से कोई लेना देना नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई लेना देना नहीं है, कृष्ण से राम से कोई लेना देना नहीं है। राम अगर इस भगवान ही थे तो राम ने अपनी आत्महत्या नदी में डूब के क्यों की, या उनकी हत्या ऐसा कहा जाता है कि उनको अश्व यज्ञ में घुसने नहीं दिया, अपमानित करके हनुमान को भगा दिया था। जब हनुमान उन्हें नहलाने के लिए गए तो हनुमान ने राम की भी हत्या करके और लक्ष्मण की हत्या करके सरयू नदी में डाल दिया। ऐसा लोगों में अफवाह है, लोग कह रहे हैं और हम 50 साल से कहानी सुनते जा रहे हैं। एक भगवान आत्महत्या कैसे करेगा, अगर आप नदी में डूब के मर रहे हो या मार दिए गए हो, आपकी डेड बॉडी मिली या ना मिली, उसका मंदिर सरयू नदी में बनेगा या बाहर बनेगा? तो ये सारी चीज़ें काल्पनिक हैं, महाभारत काल्पनिक है। रामायण और महाभारत में आपको मैं बता दूं कि दोनों वाले किताबों में कोई मकान बनाना जानता था या किसी का भवन बना हुआ था ईंट या पत्थरों से, इस बात का भी कोई तथ्य नहीं मिलता है। आप देखोगे जब कर्ण के पास में ब्राह्मण लकड़ी मुर्दे के लिए मांगने के लिए आता है तो वो केवल लकड़ी तोड़ के देता है। महाभारत के अंदर कर्ण जो है वो ये नहीं कहता कि मैं पूरे उसको तोड़ रहा हूँ, तो उनको कोई नहीं पता। और ये सारी काल्पनिक किताबें हैं। और आपको मैं बता दूँ कि वेद हो, गीता हो, रामायण हो, ये सब बौद्ध धर्म के बाद में लिखी गई हैं। और प्रोफेसर मैक्स मूलर ने बहुत बड़ी रिसर्च करी है, उनकी एक पुस्तक है जो वर्ल्ड फेमस है, इंडिया व्हाट कैन टीच अस, हमने भारत से क्या सीखा। वो कहते हैं कि भारत के लोग लिखना नहीं जानते थे। जो लिखने का पहला प्रूफ मिलता है वो जो अशोक के समय में जो शिलालेख लिखे गए हैं, उन लेखों का पहला भारत में हिस्टोरिकल प्रूफ मिलता है, ऐतिहासिक प्रूफ मिलता है कि लिखने पढ़ने का काम केवल बौद्ध विद्वानों ने करा, यूनिवर्सिटियाँ बौद्ध विद्वानों ने बनाई। तो ये हिंदू धर्म में तो दलितों को, सुलकास्टों को 1000 साल तक भी समानता नहीं मिली। और पेरिया रामास्वामी जी का एक बहुत बड़ा फेमस कथन है कि देश के दलित सुलकास्ट जब तक भारत में देवी हिंदू देवताओं की पूजा करते रहेंगे, इस समाज में 1000 साल तक भी उनको समानता नहीं मिलेगी। जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।